यहाँ होते लोग कम्मा गणी, स्वागत है आप सभी का मिस्ट्री ऑफ इंडिया के एक और धमाकेदार एपिसोड में। आइए आज की इस 2 मिनट्स में हम चलते हैं इंडिया के एक शाही रजवाड़े के सफर पर। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इंडिया के राजा रजवाड़ों के राज्य राजस्थान के बारे में। लेकिन इससे पहले वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना और अपना रिव्यू भी कमेंट्स में बताना। दोस्तों, हमारे पुराणों के मुताबिक राजस्थान का इतिहास पूर्व पाषाण युग से शुरू होता है, जिसमें राजस्थान में शुरू से ही राजपूतों, आदिवासी भील, चारण और यादवों ने राज किया है। और इसमें पृथ्वीराज चौहान से लेकर आखिर में अंग्रेजों तक ने राजस्थान में शासन किया हुआ है। और शायद इसी वजह से राजस्थान वर्ड का मीनिंग रजवाड़ों की भूमि और राजाओं का घर ऐसा होता है। दोस्तों, बात करें आज के टाइम की तो टोटल 342,239 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ राजस्थान इंडिया का सबसे बड़ा राज्य है, जिसकी टोटल ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट करीब $27 बिलियन की है। और क्यों ना हो, आखिरकार राजा महाराजाओं का राज्य है, जिसमें गुलाबी नगरी जयपुर, इंडिया का एजुकेशन हब कहा जाने वाला कोटा और उदयपुर अजमेर के शाही राजमहल आपकी आंखों को चकाचौंध कर देंगे। और यही तो राजस्थान की खूबसूरती है। दूसरी ओर भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार भी राजस्थान में आया हुआ है। और आज राजस्थान में इंडिया की लगभग 90% डुप्लीकेट ज्वेलरी बनाई जाती है। अब दोस्तों, बात करें मंदिरों की तो ना केवल हमारे इंडिया का पर पूरी दुनिया में भगवान ब्रह्मा जी का इकलौता मंदिर आपको राजस्थान के पुष्कर में देखने को मिलेगा। और इसके साथ ही इंडिया के सबसे ज्यादा 13 किले भी आपको राजस्थान में ही देखने को मिलेंगे। तो हर बार की तरह कुछ खाना पीना हो जाए। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान की दाल बाटी और चूरमा आज पूरे भारत में सुप्रसिद्ध है। और इसके अलावा घेवर, कचोरी, बीकानेरी रसगुल्ले और राजस्थानी कढ़ी, आय हाय, उसकी तो बात ही कुछ और है। और शायद इसी वजह से राजस्थानी लोग बार बार ऐसा कहते हैं, आओ जी पधारो भारत देश जी। सो मिलते हैं ऐसे ही एक और नए मिस्ट्री ऑफ इंडिया के एपिसोड के साथ। लेकिन तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे इंस्पायर, गुड बाय।